तो हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सब जानना चाहते हो जो एक्चुअली यार मेरे जो जो फ़ोन की आवाज़ है ना थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं ब्लूटूथ लगा लिया है मैंने। तो कुछ कोई परेशानी तो नहीं है? और मैं ये बता रही थी जो मतलब आप सभी जानना चाहते हो, मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ। मथुरा में सप्तऋषि नगर, जनरलगंज, पल्ली पार रोड, नया नया पुल जो बना है अभी, नया और पुराना पुल भी है, उसके सामने श्री जी हॉस्पिटल है। जस्ट हम उसी के सामने रहते हैं, हॉस्पिटल के सामने ही रहते हैं, हमारा घर है। और मेरा दो बेटे हैं, एक 16 साल का है, एक 14 साल का है। और मेरे हस्बैंड मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में जॉब करते हैं, सरकारी। और मैं हाउस वाइफ हूँ। और क्या बताएं? और मेरे परिवार में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और दो बच्चे ही रहते हैं। ससुराल में कोई भी नहीं है, नंद भी नहीं है, सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सिर्फ हम चार फैमिली रहते हैं। मेरे हस्बैंड की माता पिता की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी। और मेरी भी मम्मी पापा, मतलब मम्मी तो मेरी बहुत पहले ही, जब मैं 6 महीना की थी, जब भी डेथ हो गई थी। और पिताजी मेरे रेलवे में जॉब करते थे। तो पिताजी, हम दो सिस्टर हैं, सिस्टर तो हम चार थे, तो दो मतलब एक्सपायर हो गई। और हम दो सिस्टर हैं, तो और मैं सबसे छोटी हूँ। जो दूसरी नंबर की सिस्टर है, वो सिस्टर गुजरात में रहती हैं, मतलब वो भी मथुरा से ही बिलोंग करती है, उसके घर मकान भी सब मथुरा में ही है। तो मेरे सिस्टर मतलब पंडिताईगिरी करते हैं, उनके हस्बैंड मेरे जीजू, तो वो गुजरात में चले गए हैं। गुजरात में मतलब अच्छी कमाई है, तो वहाँ पे ही रहते हैं, मतलब अब वहीं पे शिफ्ट हो गए हैं वो लोग। तो वहीं से बिलोंग भी वहीं से करते हैं। मथुरा में तो है नहीं है, घर मकान है पर रहते नहीं हैं वो लोग, अब वहीं पे रहते हैं। उनके भी दो लड़का हैं और दो लड़कियां हैं उनके। और मेरी माता पिता भी नहीं हैं, और क्या बोलूँ बस। और मेरी जो सिस्टर है, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। रोज़ नियम से फ़ोन करती हैं, ये कहती है कैसी है कैसी नहीं है। मतलब हम दो सिस्टर हैं, दोनों सिस्टर की माता पिता है नहीं है, तो इसलिए हम दोनों सिस्टर एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और क्या, वैसे मथुरा में काफ़ी साल हो गए मुझे। जब मैं 15 साल की थी, जब मेरी शादी हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पिताजी को यही डर लगता था, जो मतलब दो लड़की ख़त्म हो चुकी है, दो लड़की हैं। बड़ी दीदी की शादी हुई थी, तो उसके कुछ साल बाद दीदी एक्सपायर हो गई। और जो दूसरे नंबर की दीदी है, वो गुजरात में रहती हैं। और जो तीसरी नंबर की सिस्टर थी मेरी, वो जॉब करती थी, तो वो जॉब में मतलब बीमार हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो गई थी मुझको। और मैं चौथी नंबर की हूँ, सबसे छोटी हूँ। और क्या बोलूँ, बस कुछ नहीं, फैमिली होते हैं तो फैमिली की खुशी ही कुछ और होती है। हमारी तो फैमिली भी नहीं है, बस आप ही लोग हो, यूट्यूब परिवार हमारे। और क्या बोलूँ, और कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, जो मेरे जो पिंकी शॉर्ट यूट्यूब के नाम से जो मेरा चैनल है, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और कुछ नहीं, आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों की मर्ज़ी है। सपोर्ट करते तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तो भी अच्छी बात है। और क्या बताएं, बस कुछ नहीं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।